अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंजीनियर्स बुलेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे हमारे डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालिसिस में। तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए क्योंकि आपको सफिशेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये टेबल हमने डिस्कस करी थी जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था कम्युनिकेशन का, एडवांस कम्युनिकेशन का, और फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, EMT, ये सब कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में कवर करेंगे डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर से। जैसे कि इसका वेटेज है 45 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 14, 16 और 17 DMRC पेपर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है इंस्ट्रक्शन इन विच फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड। तो इसमें पूछा गया है कौन से इंस्ट्रक्शन में फ्लैग्स बेसिकली होते हैं 5, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 फ्लैग्स होते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, जैसे कि साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, तो ये सब फ्लैग्स होते हैं। तो इसमें पूछा गया है इन विच इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड। तो पहले आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनना। तो जैसे कि इसमें 4 इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, SPHL, LHLD, पुश और RAR। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है रोटेशन विद कैरी और राइट रोटेशन करना और विद कैरी। ये इसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, तो मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा आने वाली स्लाइड्स में। तो फिलहाल आप इसका समझ लीजिए कि रोटेशन जो करते हैं वो करते हैं अलोंग कैरी, इसमें कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है RAR में। रोटेशन की कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, सपोज़ अगर मैं बात करूं RAL की और RAR की, ये दो इंस्ट्रक्शन है रोटेशन में जिसमें कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है। लेकिन अगर बात करें रोटेशन विदाउट कैरी, राइट रोटेशन विदाउट कैरी लेफ्ट, तो इसमें कैरी फ्लैग में बिट्स जाती हैं लेकिन अलॉन्ग विद कैरी नहीं होता, इन दोनों में अलॉन्ग विद कैरी होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे डिटेल में। तो इसका आंसर है इस फ्लैग में, यानी कि RAR इंस्ट्रक्शन में फ्लैग्स अफेक्ट होता है, बाकी तीनों में अफेक्ट नहीं होता। तो ये DMRC क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन गिवन था 1st, 2nd, 3rd, तो 1st, 2nd, 3rd ऑप्शन आर करेक्ट। कि SPHL इसमें भी फ्लैग अफेक्ट होता है, इस फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, LHLD इसमें फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, और पुश इंस्ट्रक्शन इसमें भी अफेक्ट नहीं होता। तो जिसमें अफेक्ट होता है उसे कहते हैं रोटेशन राइट अलॉन्ग विद कैरी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 3 इनपुट OR गेट उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये होता है A+B+C। ऐसे ही अगर पूछते आपसे 3 इनपुट AND गेट है तो उसका होता है AB × C। वैसे AND गेट अवेलेबल होता है 2 इनपुट में, लेकिन अगर 3 इनपुट पूछा गया है तो A × B × C हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे XOR गेट के बारे में पूछते तो XOR गेट का एक्सप्रेशन होता है A XOR B, और अगर 3 इनपुट है तो A XOR B XOR C। बेसिकली XOR और XNOR ये केवल 2 इनपुट्स के लिए वैलिड है, लेकिन अगर 3 इनपुट बनाना है तो हम 2 XOR यूज़ करते हैं इस केस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स माइक्रो प्रोसेसर में कितनी हो सकती हैं इंस्ट्रक्शन में, और मशीन साइकिल कितनी हो सकती हैं। तो मैक्सिमम बाइट्स हो सकती हैं 3 और मशीन साइकिल हो सकती हैं 5। और ये ध्यान रखना, एक मशीन साइकिल में मल्टीपल क्लॉक साइकिल हो सकती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मशीन साइकिल में मल्टीपल क्लॉक साइकिल हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। सबसे पहले इसमें स्टडी करते हैं 8085। तो आप इसको जितनी भी स्लाइड में समझाऊँगा उसको आप अच्छे समझिए, क्योंकि आपका मोस्टली लगभग जो माइक्रो प्रोसेसर है यहीं कवर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं उसमें 18 में, तो आप इजीली उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट पोर्शन जो कवर है उसमें कर दिया है। इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं DMRC में, तो मैंने सारी इंस्ट्रक्शन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने समराइज़ किया है इसमें, और जो थ्योरी है रिलेटेड उससे उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप कम्फर्ट फील कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो उसके बाद मैं डिजिटल कवर करूँगा। तो 8085 ये 8-bit माइक्रो प्रोसेसर है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने पिन का है, 40 पिन का है, और ये 12 इन पैकेज में आता है।
उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मेमोरी कितनी यूज होती है इसमें, इसमें होती है 64 KB, क्योंकि इसमें 16 एड्रेस लाइंस होती हैं और 8 बिट डेटा लाइंस होती हैं, और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है 3 MHz, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है NMOS टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये गेट में भी आ चुका है क्वेश्चन वाला, कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंशन कब हुआ था, तो इसका है 1977। आपको इसमें याद रखना है कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस अलग अलग नहीं होती हैं, वो बाई डायरेक्शनल, जैसे डेटा लाइंस होती हैं बाई डायरेक्शनल होती हैं, तो एड्रेस लाइन को ही हम डेटा लाइंस में यूज़ करते हैं, तो उसको दोनों को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ALE, एड्रेस लैच इनेबल, उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। तो फिलहाल देखते हैं, 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं और 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन को रोक दे, यहाँ पर सपोज माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है, कोई एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, तो अगर कोई इंटरप्ट आता है बाहर से, एक्सटर्नल इंटरप्ट, तो वो वहीं एग्जीक्यूशन अपना जो वर्क कर रहा है वो कंटिन्यू रखेगा, उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करेगा। तो 5 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, जैसे कि ट्रैप होता है, INTR होता है, और इसमें आता है RST 6.5, 7.5, 5.5, तो ये 5 होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। और 8 होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जैसे कि RST 0 से RST 7 तक। तो ये आपको याद रखना है कि RST 0 से RST 7 तक होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि RST 7.5 किस तरह का होता है, एस ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड। एस ट्रिगर का मतलब होता है कि अगर कोई पल्स है और उसके पॉजिटिव गोइंग पे अगर सिग्नल चेंज हो रहा है या फिर नेगेटिव पे चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रिगरिंग, और एस ट्रिगरिंग कहते हैं इसे। लेकिन अगर लेवल ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं, तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि सिग्नल लेवल में चेंज होता है। यहाँ पर इसमें तो एज में चेंज हो रहा था कि पॉजिटिव एज है तो सिग्नल चेंज होगा या नेगेटिव एज है तो सिग्नल चेंज होगा, लेकिन लेवल ट्रिगरिंग में लेवल में चेंज होगा। तो RST 7.5 होता है एस ट्रिगर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाइल RST 6.5, 5.5 और INTR ये लेवल ट्रिगर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से सिग्नल्स एक्टिव लो होते हैं, तो ये उनकी लिस्ट है, INTA, रीड राइट और RST रिसेट इन। केवल माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ये 4 सिग्नल्स ही एक्टिव लो होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि और ऑप्शन देंगे, तो उसमें से अगर ये ऑप्शन है गिवन है और पूछा गया है एक्टिव लो सिग्नल्स कौन से हैं, तो इन चारों में से ऑप्शन में गिवन होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, रीड राइट और रिसेट इन, ये एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है DMA से, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर इनपुट आउटपुट या मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं DMA कंट्रोलर। तो इस केस में क्या होता है, हम दो सिग्नल यूज़ करते हैं, होल्ड और HLDA। सपोज अगर मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो होगा क्या, इनपुट आउटपुट होल्ड सिग्नल देगा माइक्रो प्रोसेसर को। सपोज़ ये मानते हैं हम, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये हमारा इनपुट आउटपुट है, और इसे डेटा ट्रांसफ़र करना है मेमोरी से, तो ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल देगा। अब माइक्रो प्रोसेसर जो अपना करंटली एग्जीक्यूशन कर रहा होगा प्रोग्राम का, उसको वो ख़त्म करेगा वहाँ पे, उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, वो उसे रेस्पॉन्ड करेगा विद द सिग्नल HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद जो जितनी एड्रेस बस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर रिलिंक्विश कर देगा, मतलब छोड़ देगा, और इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। तो फास्टर ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, जिसकी वो होती है, IC का नाम होता है 8237 और 8257। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि DMA कंट्रोलर की IC का नंबर क्या होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सिग्नल्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, वो है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है, ये ट्रैप बेसिकली है हार्डवेयर इंटरप्ट, लेकिन इन 5 हार्डवेयर इंटरप्ट में से ट्रैप ही केवल ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है, जिसको मास्क नहीं कर सकते। और दूसरा, यही ओनली हार्डवेयर इंटरप्ट है या इंटरप्ट है जिसमें दोनों तरह की ट्रिगरिंग होती हैं, लेवल ट्रिगरिंग भी होती है, एस ट्रिगरिंग भी होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसका जो सिग्नल होता है वो होता है RST 4.5। तो इन तीनों में से अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा था, रिसेट इन जो होता है एक्टिव लो सिग्नल्स हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं इसे प्रोसेसर को रिसेट करने के लिए। दूसरा काम इसका है, ये जितने भी मास्केबल इंटरप्ट हैं उसको, अगर वो मास्क हैं तो उसको डिसेबल कर देगा, ये इसका काम है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोग्राम काउंटर को
इनिशलाइज कर देगा। प्रोग्राम काउंटर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, और याद रखना है कि प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है। ऐसे ही स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से काउंट रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में। अगला है INTR, इसका मतलब है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। दिस इज़ द ओनली इंटरप्ट जो नॉन वेक्टर्ड है, बाकी सबके पास कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो लेकिन ये INTR ही ओनली इंटरप्ट है जिसका जिसके पास वेक्टर एड्रेस नहीं है, ये नॉन वेक्टर्ड है और ये लेवल ट्रिगर्ड है केवल होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि अगर हमें एड्रेस बस को डेटा बस की तरह भी यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ALE, इसे कहते हैं एड्रेस लैच एनेबल। अगर ALE सिग्नल पे 1 है तो वो रिप्रेजेंट करता है जितनी भी 16 लाइंस हैं, क्योंकि 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर होता है 8085, उसमें 16 बिट एड्रेस बस होता है, तो जितनी भी लाइंस हैं वो एड्रेस बस की तरह यूज़ होंगी। तो ये होता है ALE अगर 1 होगा। लेकिन अगर ALE 0 है उस केस में आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि हायर ऑर्डर बस होती है, काम करती है एड्रेस बस की तरह। सपोज़ अगर A15 से A0 तक हमारा एड्रेस है, तो A15 से लेकर A8 तक ये काम करेगा एड्रेस बस की तरह, और A7 से लेकर A0 तक ये काम करेगा डेटा बस की तरह। तो डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल नेचर की और एड्रेस बस होती है यूनिडायरेक्शनल नेचर की। उसके बाद रजिस्टर होते हैं दो तरह के, एक होता है 16 बिट रजिस्टर, एक 8 बिट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर होते हैं वैसे ही प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर होता है जो टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी पे पॉइंट करे। हम जब भी इंस्ट्रक्शन कॉल होती है, सपोज कॉल होती है या फिर पुश करते हैं, तो जितना भी डेटा होता है एड्रेस होता है वो स्टैक पॉइंटर के स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW कॉम्बिनेशन होता है एक्यूमुलेटर का और फ्लैग रजिस्टर का। तो आपसे पूछ सकते हैं PSW इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर बेसिकली होते हैं BC DE HL। जब भी मैं बात करूँगा रजिस्टर पेयर की तो आप समझना या तो वो BC होगा या DE होगा या HL होगा। उसके बाद है 8 बिट रजिस्टर, जैसे एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और टेम्प्रेरी रजिस्टर। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रजिस्टर कितने बिट के हैं। उसके बाद इसमें आती हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 3 बाइट की होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था DMRC में। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं या ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि मैक्सिमम टी स्टेट कितनी होती है इंस्ट्रक्शन में, वो होती है 18, और मैक्सिमम मशीन साइकिल कितनी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। ये डेटा आपको याद रखना है। अब मैं बताऊँगा कैसे कैसे होती हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कॉल। कॉल ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसमें मैक्सिमम लेंथ 3 बाइट होती है। अब 3 बाइट क्यों होती है, एक तो कॉल है, कॉल का मतलब है ये बता रहा है आपको ऑप कोड, और एक होता है ऑप कोड, एक होता है ऑपरेंड। ऑप कोड का मतलब होता है कि ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, और ऑपरेंड का मतलब होता है कि किस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑप कोड हमारा है कॉल, जितने भी आप देखोगे MVI, मूव, MOV और LXI, ये सब ऑप कोड हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 16 बिट एड्रेस, तो 16 बिट एड्रेस लेगा हमारा 2 बाइट्स और ऑप कोड लेगा 1 बाइट, तो कितने बाइट का हो गया, 3 बाइट का। तो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 3 बाइट। उसके बाद बात कर रहे हैं मैक्सिमम टी स्टेट कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम टी स्टेट होती है कॉल में 18। कैसे होती है, कॉल इंस्ट्रक्शन का सबसे पहले ऑप कोड हमारा इंस्ट्रक्शन फैच होगी, क्योंकि कॉल है इंस्ट्रक्शन फैच होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो फैच करने के लिए होती है ऑप कोड फैच। बेसिकली आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप्स बने हुए हैं। सबसे पहला होता है ऑप कोड फैच साइकिल। अब कॉल इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड फैच के लिए जो टी स्टेट लगती हैं वो लगती हैं 6। ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम इसमें टी स्टेट आती हैं 6। उसके बाद इसमें ऑपरेशन क्या होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो होता क्या है, हमें किसी एक सब रूटीन पे मूव करना है। तो सब रूटीन के मूव करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वाली है, सपोज हमारा कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसमें कॉल आ गया, अब जो कॉल के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पे वापस भी तो आना है, तो वापस आने के लिए हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना पड़ता है स्टैक मेमोरी में। तो इसलिए अब क्या होगा, कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर कर देगा प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में ही नेक्स्ट मेमोरी का इंस्ट्रक्शन होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो स्टोर कर देगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि सबसे पहले क्या करना है, हमें जो एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है या जिस पे मूव करना है हमें उसे रीड करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस है, वो किस में है, मेमोरी में है,
तो मैम इसमें होगा रीड, उसके बाद होगा एक और रीड होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कितने कितने एड्रेस कितना है 16 बिट का है, तो दो बार करना पड़ेगा, तो ये रीड रीड, उसके बाद होगा राइट राइट। राइट राइट क्यों होगा, क्योंकि हमें जो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का उसे स्टैक मेमोरी में राइट करना है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले ऑपकोड फैच हुआ उसमें 6 टी स्टेट लगी, उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शन होगी, रीड में लगती हैं 3 टी स्टेट, क्योंकि रीड क्यों होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एड्रेस है जहाँ पर मूव करना है वो हमें स्टोर करना पड़ेगा, उसे रीड करना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एड्रेस जो ये तो हो गया हमारा 8 बिट के लिए, अब अगले जो 8 बिट क्योंकि 16 बिट का है तो अगले दोबारा रीड करना पड़ेगा हमें, तो 3 टी स्टेट हो गया। उसके बाद राइट इंस्ट्रक्शन है, राइट क्यों है, क्योंकि राइट इंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि हमें स्टोर करना है स्टैक मेमोरी में जो जिस एड्रेस में वापस आना है हमें, तो इसलिए राइट हो गया 3 टी स्टेट, अगेन 3 टी स्टेट, तो कितना हो गया 639 और ये हो गया 18, तो 18 टी स्टेट हो गया, तो मैक्सिमम टी स्टेट हो सकते हैं 18। तो हमने देखा मशीन साइकिल कितनी है, 5 है, एक ऑपकोड फैच है, एक रीड है, दो तो रीड है और दो राइट है, तो ये हो गया 5 मशीन साइकिल। अब मैक्सिमम कितने ऑपकोड हो सकते हैं, 74 ऑपकोड, मैंने बताया आपको कि ऑपकोड होता है जो हमें ऑपरेशन करना है, इसे कहते हैं ऑपरेशनल कोड, तो मैक्सिमम 74 हो सकते हैं, जैसे ये MVI है, LDA है, ये सब ऑपकोड है, जिससे क्या होगा कितनी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी 246। तो ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट डेटा है, तो आप इसे याद रख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं एड्रेसिंग मोड से। एड्रेसिंग मोड होते हैं 5 तरह के, एक होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब है आपको इंस्ट्रक्शन में डेटा गिवन होगा पहले से, जैसे MVI B50H, ये H का मतलब है हेक्साडेसिमल, I का मतलब यहाँ पर है इंटरमीडिएट, इमीडिएट मतलब आपको इमीडिएट डेटा गिवन है। अब ये होती है 2 बाइट की, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो MVI अगर इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है तो वो 2 बाइट की होगी, क्योंकि एक बाइट तो ये लेगा ऑपकोड और एक बाइट लेगा ये, क्योंकि ये 8 बिट है तो 2 बाइट की होगी। तो आपको याद रखना है कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होती है 2 बाइट लेती हैं। ऐसे ही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, आपको एड्रेस गिवन होगा, यहाँ पर डेटा गिवन था, यहाँ एड्रेस गिवन होगा कि किस एड्रेस पे डेटा प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया लोड एक्यूमुलेटर। अब ये 3 बाइट का क्यों है, क्योंकि एक बाइट तो लेगा ऑपकोड और ये 2 बाइट का है तो 3 बाइट हो गए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि आपको इसमें जो एड्रेस गिवन होगा, जो रजिस्टर गिवन होगा जिसमें मूवमेंट करना है, उस रजिस्टर में भी एड्रेस गिवन होगा कि किस एड्रेस पे जाके हमें डेटा मिलेगा। जैसे कि M है, जहाँ भी मैं M यूज़ करूँगा इसका मतलब ये है ये HL को पॉइंट कर रहा है, HL रजिस्टर होता है, उसे यूज़ करने के लिए हम मेमोरी यूज़ करते हैं, M फॉर मेमोरी। ये होती है 1 बाइट की, जितनी भी मूव इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 1 बाइट की होती हैं, लेकिन MVI इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की होती हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसको एक बार और समझ लेते हैं इनडायरेक्ट को, अगर समझ नहीं आया तो। इनडायरेक्ट का मतलब है सपोज ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है, ठीक है, उसके बाद अब इसमें M दे रखा है, यानी कि अगर एक तरह से ये गिवन है कि सपोज एड्रेस दे रखा है 1600H, ये एक स्टोर है M में, तो यहाँ पर जब आप जाओगे 1600H पे तो उसमें भी एड्रेस गिवन होगा, तो उस एड्रेस यहाँ से आपको कोई एड्रेस उठाना है और उस एड्रेस पे जाके मेमोरी उसी मेमोरी में आपको डेटा प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्टली एड्रेस गिवन है, यहाँ के एड्रेस से आप मेमोरी में जाओगे, जो मेमोरी में एड्रेस होगा वो जहाँ आपको मिलेगा वो डेटा होगा, जबकि डायरेक्ट में क्या था कि जो आपको एड्रेस गिवन था उस एड्रेस पे जाओ डेटा वहाँ पर होगा, इसमें वहाँ पे भी जाएंगे इनडायरेक्ट में तो वहाँ भी एड्रेस गिवन होगा। उसके बाद है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये सबसे ईजी है, इसमें रजिस्टर में मूवमेंट करनी है जो कि अवेलेबल है माइक्रो प्रोसेसर में, तो इसलिए 1 बाइट की है। एंड लास्ट है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इसका मतलब है यहाँ पर कोई एड्रेस गिवन नहीं होगा आपको, इसमें RLC जैसे RLC हो गया, RAL हो गया, CMA हो गया कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर या सेट कैरी, तो ये सब होते हैं ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हैं, ये 1 बाइट लेते हैं और इनमें एड्रेस गिवन नहीं होता। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, ये होता है क्लॉक पीरियड, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में या तो क्लॉक पीरियड गिवन होगा या फिर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। टी स्टेट, जैसे मैंने बताया टी स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे साइकिल गिवन, मैंने कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जांपल दिया कि कॉल में कितनी टी स्टेट है, 18 है, क्योंकि 6 ऑपकोड फैच में है और दो मैम यहाँ पर 3 रीड ले रहा है एक मशीन साइकिल, क्योंकि रीड और राइड दोनों में 3 टी स्टेट्स होती हैं, इनटू काउंट वैल्यू कि कितनी काउंट वैल्यू है इनकी, तो ये इसका बेसिक स्टेप है। सबसे पहले ऑफकोड फैच होता है, उसके बाद कोई ऑपरेशन होगा मेमोरी रीड मेमोरी राइट, IO रीड
या आयो राइट, उसके बाद डिकोडिंग होगी और फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो अब शुरू करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपसे पूछ सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप इसरो एग्जाम दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, BIS का दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, और आप DMRC दे रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मेन मेन इंस्ट्रक्शन हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को बिना आप रिकॉल कर सकते हो अगर आपको तरीका पता लग गया। इससे पहला है मूव इंस्ट्रक्शन। अगर आप किसी डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव कर रहे हैं कोई सोर्स रजिस्टर से, तो कुछ नहीं करना, मूव इंस्ट्रक्शन मैंने बताया 1 byte की इंस्ट्रक्शन होती है, तो आपको ये पता लग गया। अब आपको पता करना है कितनी मशीन साइकिल है। उसके लिए फंडा ये है कि अगर ये तो सिंपल रजिस्टर है, अगर मैं कह दूँ मूव A, B तो वो सिंपल रजिस्टर अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पर M आता है, मैंने बताया M का मतलब होता है मेमोरी, तो यानी कि मेमोरी में प्रेजेंट है डेटा वाला, तो क्या करना है, अब जो डेटा है वो मेमोरी में है तो आपको वहाँ से रीड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एक तो ऑपकोड फैच हो गई, पहली साइकिल सब में ऑपकोड फैच ही लगेगी, उसकी कितनी टी स्टेट होती हैं, 4 T-state। कॉल की जो केस था वो अलग था, कुछ मैं केस बताऊंगा जिसमें 6 T-state होती हैं ऑपकोड फैच में, बाकी सब में जनरली 4 T-states होती हैं। तो पहला ऑपकोड फैच होगा जिसकी 4 T-state होगी, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद M का मतलब मेमोरी से हमें डेटा उठाना है, तो मेमोरी से जब रीड करोगे तो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, मेमोरी रीड। कितनी मशीन साइकिल हो गई, 2, तो इसलिए 2 मशीन साइकिल। मेमोरी रीड में कितनी टी स्टेट होती हैं, 3 T-state, ये क्या हो गया, 7 हो गया ना, 4 T-state प्लस 3 T-state 7। और ये कैसी एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि मेमोरी से उठाया हमने, क्योंकि जहाँ पर M लग जाएगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली है मूव M, R, अब हमें राइट करना है मेमोरी में, क्योंकि रजिस्टर में डेटा प्रेजेंट है, हमें मेमोरी में राइट करना है। तो हमें अब इंस्ट्रक्शन क्या होगी, पहला ऑपकोड फैच, फिर मेमोरी राइट, आपकी राइट हो गई है ना। उसके बाद नेक्स्ट है MVI R, data। अब यहाँ इमीजिएट आ गया, तो मैंने बताया इमीजिएट में कितनी बाइट्स होती हैं, 2 byte होती हैं। अब डेटा प्रेजेंट है, तो डेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, मेमोरी में, तो वहाँ से आप रीड करोगे, तो इसमें अगेन सेम ऑपकोड फैच प्लस मेमोरी रीड, और ये आई लगा हुआ है तो इमीजिएट हो गया एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है LXI, लोड इमीजिएट डेटा। अब किस में लोड करना है, रजिस्टर पेयर में, कितनी वैल्यू, 16 bit की वैल्यू। अब आई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमीजिएट एड्रेसिंग मोड होगा, और 16 bit वैल्यू है तो कितनी बाइट चाहिए, से 16 bit कितना होता है, 2 byte, और ये LXI है 1 byte इसके लिए चाहिए, तो 3 byte हो गया। उसमें MVI में 8 bit का था वो, तो इसलिए 1 byte चाहिए थी उसमें यहाँ पर के लिए। मशीन साइकिल कितनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 बार रीड करना पड़ेगा, 16 bit है ना, तो मेमोरी रीड और एक ऑपकोड फैच, इसलिए 3 मशीन साइकिल चाहिए। कितना हो गया, 4 ऑपकोड फैच के लिए, 2 है मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी रीड, तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद LDA, ये सारी काफ़ी अच्छी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं वाली, जो आ चुकी हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं। LDA मतलब लोड एक्यूमुलेटर, ये इंपॉर्टेंट है वाला। इसमें 16 bit एड्रेस है, तो पहला ऑपकोड फैच, पहला बाइट किसके लिए होगी, ऑपकोड के लिए, बाकी 2 byte किसके लिए, इसके लिए, तो 3 byte की इंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद कितनी मशीन साइकिल होगी, 4 क्यों होंगी, क्योंकि लोड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में 16 bit। अब इसे समझिए आप कैसे है, सपोज़ ये माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है। अब इसमें क्या रखा है कि लोड करना है एक्यूमुलेटर में। अब आपको पता है एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, 8 bit का, तो इसका मतलब 16 bit तो आने का नहीं है। ये 16 bit यहाँ पर जो गिवन है, एड्रेस गिवन है, यानी कि इस एड्रेस पर जाके हमें डेटा मिलेगा। अब ये एड्रेस हमने यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर आ गए, सबसे पहले क्या होगा, ये 16 bit का एड्रेस है तो 2 बार रीड करना पड़ेगा। सपोज ये है हमारा 16 bit एड्रेस लेते हैं, 1600, सपोज ये लेते हैं, ये एड्रेस हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये एड्रेस हमें लोड करना है, तो क्या होगा, मेमोरी रीड होगा, तो हमें रीड करना पड़ेगा एड्रेस, ये दोनों एड्रेस रीड करने पड़ेंगे। साइकिल कौन सी होगी, मेमोरी रीड क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि इस एड्रेस, जब इसे एड्रेस पे जाएंगे तो इस एड्रेस पे ही हमें वैल्यू प्रेजेंट है, तो जब हम एड्रेस रीड करेंगे मेमोरी से करेंगे रीड, तो यहाँ पर साइकिल लगेगी मेमोरी रीड, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जब हम रीड करेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा 1600, जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पर एड्रेस गिवन नहीं है। अब इस एड्रेस पे जब जाएंगे हम यहाँ से, सपोज़ ये एड्रेस यहाँ प्रेजेंट है 1600, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे मिलेगी हमें वैल्यू 8 bit की। तो ये कैसे आपको क्लियर होगा, देखो यहाँ पर लोड करना है एक्यूमुलेटर में 16 bit एड्रेस। सबसे पहले मैं बताया मैंने
कि जब एड्रेस को लोड करेंगे तो रीड होगा, दो बार रीड इंस्ट्रक्शन होगी, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्शन रीड हो जाएगी यानी कि एड्रेस आ जाएगा, फिर हम मेमोरी के उस एड्रेस पे पहुंचेंगे और हमें एक्यूमुलेटर में वैल्यू मिल जाएगी। फिर वहां से हम एक और इंस्ट्रक्शन लेंगे मेमोरी रीड, और एक्यूमुलेटर में वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये एक्यूमुलेटर है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर जो वैल्यू डालनी है वो है। तो इसमें तीन साइकिल लगी, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड और मेमोरी रीड, तीन बार लगेगा क्योंकि दो बार एड्रेस रीड करना है और एक बार एक्यूमुलेटर में डाटा डालने के लिए रीड करना है। तो चार मशीन साइकिल हुई इसमें, एक बार ऑफकोड फैच और तीन मेमोरी रीड साइकिल। अब जैसे कि डायरेक्टली हमें एड्रेस गिवन है और एड्रेस पे जाना है, एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पे वैल्यू है, तो कैसा एड्रेसिंग मोड है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि एड्रेस गिवन है और वैल्यू मिल जाएगी हमें। टी शेड कितनी है? 13, क्योंकि चार होती हैं टी ऑपकोड फैच में और बाकी जो तीन हैं मेमोरी रीड कितनी होगी? 9, 9 और 4, 13। उसके बाद है LDAX, यहाँ पर एक्स आ गया, एक्स का मतलब होता है रजिस्टर पेयर। तो LDAX मतलब लोड एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर पेयर। तो एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रखनी है वाली, ये काफ़ी डिफरेंट है वाली। वन बाइट की इंस्ट्रक्शन है, कितनी मशीन साइकिल है? दो मशीन साइकिल है इसके लिए। और इसका इंस्ट्रक्शन मोड क्या है? ये है इम्प्लाइड, ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसमें ये एक्स जो है रजिस्टर पेयर का है, तो ये आपको याद रखना है, ये है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें टी सेट होती है 7। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है 8-bit एड्रेस इनपुट, अगर इनपुट डिवाइस से एड्रेस डेटा हमें रीड करना है या राइट करना है तो उसके लिए होती है इन 8-bit एड्रेस। ये 2 byte की है क्योंकि 1 byte का, 1 byte का ये हो गया ऑपकोड और ये 1 byte का ये हो गया। इसमें तीन साइकिल होती हैं, तीन साइकिल कैसे होती हैं? सबसे पहले ऑपकोड फैच होगा, फिर एड्रेस रीड होगा, मेमोरी रीड, उसके बाद क्या करना है हमें? IO रीड करना है, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं ना, इनपुट ले रहे हैं इसका मतलब रीड कर रहे हैं इनपुट डेटा से, इनपुट डिवाइस से। तो पहला होगा ऑपकोड फैच, उसके बाद होगा मेमोरी रीड क्योंकि एड्रेस रीड करना है 8 bit का, उसके बाद IO रीड क्योंकि रीड करना है। अब अगर हम देखें आउट का, तो आउट में यहाँ तो सेम ही होगा, फैच होगा, मेमोरी रीड होगा कि एड्रेस रीड करना है, लेकिन यहाँ क्या होगा? डेटा को भेजना है डिवाइस पे यानी कि राइट करना है, तो यहाँ होगा IO राइट। ओके, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि जो इनपुट डिवाइस होता है उसमें दो मोड में काम करता है, एक IO मैप्ड में, एक मेमोरी मैप्ड में। IO मैप्ड होता है 8-bit का और मेमोरी मैप्ड होता है 16-bit का, इतना याद रखना है आपको। इसमें जो टी स्टेट होती हैं 10 होती हैं। उसके बाद दो इंस्ट्रक्शन आती हैं जो मैं बताया भी कि अगर आप कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसमें आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा स्टैक मेमोरी में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पुश। पुश में काम क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर 2 बार डिक्रीमेंट होता है, ये याद रखना है आपको। और पॉप में प्रोग्राम काउंटर 2 बार इंक्रीमेंट होता है। पुश इंस्ट्रक्शन लगती है अगर हमें डेटा को स्टोर करना है कहीं पे, और अगर रीड करना है तो उसके लिए पॉप लगती है। तो ये पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है स्टैक मेमोरी के रेस्पेक्ट में रीड करे जाते हैं। और इसके इसमें ये 1 byte का इंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रखना है, 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल में 3 चाहिए, क्यों 3 चाहिए? क्योंकि जो रजिस्टर पेयर है वो 16-bit का होगा, तो 1 byte तो चाहिए आपको, मतलब एक साइकिल चाहिए आपको, क्या करना है? ऑपकोड फैच करना है। और 2 साइकिल चाहिए क्योंकि 16-bit का है, तो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। लेकिन पुश इंस्ट्रक्शन है, पुश इंस्ट्रक्शन क्या करते हो आपको डेटा को स्टोर करते हो मेमोरी में। डेटा कौन सा है? जो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट, जैसे सपोज कॉल एग्जीक्यूट होती है, तो कॉल एग्जीक्यूट जो होगी उसमें आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करोगे स्टैक मेमोरी में, यानी कि राइट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो होगा ऑपकोड फैच होगा पहला, प्लस मेमोरी राइट होगा, प्लस मेमोरी राइट होगा। पुश में हम स्टोर कर रहे हैं स्टैक मेमोरी में, इसलिए हो गया। अब यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, ऑपकोड फैच में इसमें 6 T state लगती हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन पॉप में सेम है, पॉप में 3 machine cycle चाहिए। कैसे? ऑपकोड फैच होगा, उसमें हम रीड कर रहे हैं क्योंकि हमें वापस उस एड्रेस पे जाना है जहाँ से हमारी कॉल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, तो उसके नीचे हमें एग्जीक्यूट करना है, वहीं से कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए 3 चाहिए। अब हमें रीड करना है मेमोरी से एड्रेस, तो ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड पॉप के केस में। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर से हम रीड कर रहे हैं, रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और ये टी स्टेट आपको याद रखनी है, जैसे बताया मैंने इसमें 6 T state लगती है ऑपकोड फैच में, और मेमोरी राइट यानी कि कितने हो गए 6, और ये हो गया 3, और 3 6, 6 और 6 12।
अब ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे कि ये है XCSD, इसका मतलब है अगर आप DE जो रजिस्टर पेयर है और HL का रजिस्टर पेयर है, इन दोनों के डेटा को एक्सचेंज करते हो, उसे कहते हैं XCSG, एक्सचेंज कर रहे हो उसमें आप DE पेयर और HL को। अगेन सेम ये 1 byte की इंस्ट्रक्शन है, एक मशीन साइकिल है। एक मशीन साइकिल क्यों चाहिए? क्योंकि DE और HL दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल हैं, तो वहीं का वहीं ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसलिए एक मशीन साइकिल चाहिए। कौन सी? ऑपकोड फैच। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि रजिस्टर के बीच ट्रांसफर हो रहा है, और 4 T-state चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है SPHL। इसका मतलब है अगर HL का डेटा स्टैक पॉइंटर में जा रहा है, ध्यान रखना है वाला, HL का डेटा स्टैक पॉइंटर में जा रहा है तो वो कहलाता है SPHL। लेकिन अगर HL का डेटा PC में जा रहा है, यानी कि प्रोग्राम काउंटर में जा रहा है, तो वो होता है PCHL। तो HL का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर SP है तो स्टैक पॉइंटर में, PC है तो प्रोग्राम काउंटर में। दोनों ही 1 byte की इंस्ट्रक्शन है, दोनों ही, जो क्योंकि ये पता है हमें अंदर ही अवेलेबल है, तो एक एक मशीन साइकिल चाहिए, लेकिन इसमें T-state चाहिए 6। ये ध्यान रखना है आपको, जिन जिन में T-state 6 चाहिए वो आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है LHLD। इसका मतलब है लोड करना है HL पेयर में 16-bit एड्रेस, लोड HL पेयर। तो इसमें कितने बाइट चाहिए? क्योंकि 1 byte का तो LHLD हो गया, और 2 byte का ये हो गया, यानी कि 3 byte का हो गया। मशीन साइकिल कितनी चाहिए? क्योंकि लोड करना है तो इसमें सबसे पहले फैच होगा, उसके बाद एड्रेस रीड करना है तो रीड, फिर क्योंकि 2 byte का है यानी कि 16-bit का है, तो दोबारा रीड प्लस, अब इसमें क्या करना है, इस एड्रेस पे जाके जो HL जो एड्रेस है, जो कंटेंट है, एक्चुअली इसमें हमें क्या करना है, इसमें डेटा को लोड करना है जो 16-bit एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले 16-bit एड्रेस को रीड करेंगे, तो रीड रीड हो गया, उसके बाद जो डेटा मिलेगा वो हमें 16-bit का मिलेगा, उसके लिए भी रीड करेंगे, रीड प्लस रीड। तो ये समझ में आया, क्योंकि 2 read तो है एड्रेस को रीड करने के लिए, और 2 read हैं जो डेटा प्रेजेंट है एड्रेस पे उसको रीड करने के लिए। तो कितनी साइकिल होगी? 5 cycle। तो ऑपकोड फैच के लिए 4 होती हैं, तो 4 3 3 3 3, ये हो गया 16 T-state चाहिए, और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। उसके बाद आता है XTHL। इसका मतलब है स्टैक पॉइंटर और HL पेयर का डेटा या कंटेंट एक्सचेंज हो रहा है। XCSG में DE और HL का हुआ था, ये आपको इसमें डिफरेंस दिखना है, इसमें एक्सचेंज में DE HL के बीच में हुआ था, और XTHL में स्टैक पॉइंटर और HL। इसका मतलब होता है स्टैक मेमोरी का जो टॉप है वो एक्सचेंज हो रहा है HL पेयर के साथ। तो इसमें भी 1 byte की इंस्ट्रक्शन है, इसमें 5 machine cycle हैं। अब कैसे 5 machine cycle हैं? क्योंकि सबसे पहले क्या एक्सचेंज करना है, तो हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑपकोड फैच होगा प्लस, अब जो HL में डेटा है उसको हमें किसी रजिस्टर में, टेम्प्रेरी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा, तो रीड रीड। अब जो डेटा है वो स्टैक पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा, तो क्या हुआ इसका? राइट राइट। तो 5 instruction हुई, क्योंकि पहले हमें HL के किसी जो रजिस्टर है उसके डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा टेम्प्रेरी रजिस्टर में, तभी तो मूव करवाएंगे, तो इसलिए 5 cycle हुई, फैच रीड रीड राइट राइट। ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि एड्रेस गिवन नहीं है इसमें, ऐसे हमने देखा था SPHL PCHL, क्योंकि एड्रेस गिवन नहीं है इसलिए इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। उसके बाद LDA 16-bit एड्रेस, लोड एक्यूमुलेटर, आई थिंक ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट INX DCX, इसका मतलब है इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर। 1 byte की इंस्ट्रक्शन है, 1 machine cycle चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना है तो वो तो अवेलेबल होते हैं, और इसमें T-state चाहिए 6, ये भी ध्यान रखना है। अगेन सेम आ गया इसमें कि T-state कितनी रिक्वायरमेंट है इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर में और डिक्रीमेंट में, 6। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ये भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि एड्रेस गिवन नहीं है, तो इसका 1 byte चाहिए, अगेन 1 machine cycle चाहिए, और ये पता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, और 4 T-states। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCHL को हम क्या कहते हैं, यह है 1 byte अनकंडीशनल जंप। तो मैं बताऊंगा जंप क्या, जंप इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो इसका आपको ये याद रखना है कि PCHL इज इक्वल टू 1 byte अनकंडीशनल जंप। जैसे हमने देखा कि 1 byte की ये 1 machine cycle होती है, और 6 T-state होती है इसमें। अब ये है इंस्ट्रक्शन डैड इंस्ट्रक्शन, डैड का मतलब डबल एडिशन, तो ये होती है 1 byte की, और 3 machine cycle होती हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन शुरू हुई है जिसमें फ्लैग्स अफेक्टेड होते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें एक भी किसी में भी फ्लैग अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो आपको याद रखना है किस किस इंस्ट्रक्शन में फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। अब जो मैं आगे इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें फ्लैग अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि डैड, डैड इंस्ट्रक्शन में केवल
कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज डा. डा मीन्स डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, और ये काम करता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के साथ. इसमें केवल ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का रोल आता है, और इसे यूज़ करते हैं एडिशन के बाद. जब हम कोई दो रजिस्टर ऐड करते हैं 8 बिट के, तो उसे ऐड करने के बाद हम चेक करते हैं अगर हमारा सम ऐसा होता है. इसमें 8 बिट का कोई वैल्यू है, दो रजिस्टर हैं 8 बिट के, तो हम सपोज़ ये वैल्यू है और एक ये रजिस्टर है, तो दो 8 बिट के रजिस्टर हैं. हम इंडिविजुअली 4 बिट के सम करेंगे, और अगर सम से कैरी आ रहा है, जब फोर्थ बिट से कैरी आता है, इसका मतलब है निबल से कैरी आ रहा है. तो निबल से कैरी आएगा तो उस केस में हम उसमें 6 ऐड करेंगे. और अगर कैरी MSB से भी आता है तब भी हम 6 ऐड करेंगे. तो ये कंडीशन होती है. इतना डीप में जाइए इसमें, बस आपसे पूछेंगे कि डा इंस्ट्रक्शन की कितने बाइट का होता है, कितनी मशीन साइकिल होती हैं, कितनी टी स्टेट होती हैं, और इसमें फ्लैग अफेक्ट होता नहीं होता है. तो इसमें सारे फ्लैग अफेक्ट होते हैं डा इंस्ट्रक्शन में. नेक्स्ट है इंक्रीमेंट M, डिक्रीमेंट M. अगेन 1 बाइट की है, 3 मशीन साइकिल हैं. अब जैसे कि यहाँ पर M आ गया, M का मतलब क्या है, मेमोरी. तो आपको क्या करना है, मेमोरी से रीड करना है और इंक्रीमेंट करना है, फिर वापस स्टोर करना है. तो क्या क्या साइकिल चाहिए, एक तो ऑपकोड फेच चाहिए, एक आपको मेमोरी से रीड करना है, और दूसरा फिर रीड करने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट करना है, फिर उसके बाद दोबारा उसको मेमोरी में स्टोर करना है. तो ये राइट हो गया. तो कितनी साइकिल हो गई, 3 साइकिल हो गई. 4 ऑपकोड फेच के लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 4 और 3 7 और 3 10. तो 10 साइकिल, 3 स्टेट हो गई. अब इसमें कौन कौन से फ्लैग अफेक्ट नहीं होते, कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, बस ये आपको याद रखना है, बाकी सारे फ्लैग अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ANA. इट मीन्स इसका मतलब है एंडिंग विद R. अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एंड ऑपरेशन में कौन कौन से फ्लैग अफेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते. ये तो आप याद रख लो कि 1 बाइट की है, क्योंकि रजिस्टर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो एक मशीन साइकिल होगी, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा, 4 T-state होंगी. इंपॉर्टेंट यह है कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इसमें 1 हो जाता है, कैरी फ्लैग 0 हो जाता है, ये आपको याद रखना है इसमें. नेक्स्ट है ऑरिंग ऑपरेशन. अगर हम और एडिशन कर रहे हैं या और ऑपरेशन कर रहे हैं, उस केस में अब जैसे कि यहाँ पर मेमोरी आ गया, तो मेमोरी क्या करना है, आपको रीड करना है, रीड करने के बाद उसका ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन, तो इसलिए 2 मशीन साइकिल चाहिए. और ऑपरेशन करते कैसे हैं, सपोज ये डेटा गिवन है आपको, और ये 1011, तो सिंपल अगर सपोज यहाँ 1 है, तो 1 और 1 क्या होता है, और में 1 होता है, 0 1 1 होता है. अब ये बाइनरी से कन्फ्यूज मत हो ना, कि बाइनरी में एडिशन अलग होता है, उसमें 1 और 1 2 होता है, यानी कि 0 1 0 होता है. इसमें ऑरिंग कर रहे हैं, और में क्या होता है, 1 और 1 1 होता है, और 1 0 1 होता है. इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है ये है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी 0 होता है, कैरी फ्लैग भी 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. जो जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आपको वो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. इसके बाद ये बता चुका हूँ, ये तीनों सब बता चुका हूँ. हाँ, ये वाला है कॉम्प्लीमेंट कैरी और सेट कैरी. इसमें क्या होगा, ये भी 1 बाइट की है, 1 मशीन साइकिल है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है. इसमें कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा. कॉम्प्लीमेंट कैरी में अगर कैरी 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 है 0 कर देगा. सेट कैरी में कैरी को 1 कर देगा. और जितनी भी रोटेट इंस्ट्रक्शन होती हैं, RLA, RAL, RRA, RRA, जितनी भी होती हैं, ये सब इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में होती हैं. और इसमें 1 मशीन साइकिल चाहिए, 1 बाइट की होती है, और सब में 4 T-state होती हैं. अब ये है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जंप, कॉल और रिटर्न. अब जंप पे भी 2 मोड होते हैं, अनकंडीशनल. में क्या होगा, ये आपको सारी याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, एकदम बिल्कुल. इसके वीडियो को पॉज करिए और इसे याद कर लीजिए अभी. इसमें 3 बाइट चाहिए, 3 मशीन साइकिल चाहिए. क्यों, क्योंकि जंप इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेगा, एड्रेस कितना होगा 16 बिट का, तो अगेन 3 बाइट की. आपके लिए ईजी हो जाएगा ये रिकॉग्नाइज करना कि कितने बाइट चाहिए, क्योंकि 1 चाहिए इसके लिए और एड्रेस 16 बिट का होगा, तो इसके लिए 2 बाइट चाहिए. मशीन साइकिल 3 क्यों चाहिए, क्योंकि आपको रीड करना है एड्रेस को. 1 जंप 1 चाहिए ऑपकोड फैच, 2 रीड चाहिए. अगेन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, क्योंकि एड्रेस गिवन नहीं होता इस केस में. टी स्टेट 10 चाहिए. फ्लैग कोई भी अफेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना है. जंप एड्रेसिंग मोड में जंप अगर कंडीशनल है, अब यहाँ ध्यान देना है, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन 2 होगी, लेकिन मशीन साइकिल 2 होगी अगर कंडीशन फॉल्स होती है. सपोज अगर जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, जंप किस तरह की होती है, मान लो सपोज मैं लेता हूँ जंप इफ 0 JZ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट विल बी सेम एज अनकंडीशनल जंप. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मशीन साइकिल होगी 2 और टी स्टेट होंगी 7, ये याद रखना है. कॉल में हमने देखा था, बताया था मैंने कि 3 बाइट्स की होती है, 5 मशीन साइकिल होती हैं, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है और टी स्टेट 18 है. लेकिन अगर कॉल कंडीशनल है,
सपोज सी जेड कॉल इफ जीरो, उस केस में दो मशीन साइकिल होंगी अगर कंडीशन फॉल्स होती है, और 9 टी स्टेट होंगी कंडीशन फॉल्स होती है। ये आपको याद रखना है कि कॉल इस कॉल के केस में ऑफ कोड फैच में 6 टी स्टेट होती हैं। ऑफ कोड फैच में लास्ट है रिटर्न, रिटर्न का मतलब है कि जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वापस हमें उस सब रूटीन को पूरा करने के बाद हमें वापस जाना है उसी मेन प्रोग्राम में। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है एक बाइट की, तीन मशीन साइकिल होती हैं। अब रिटर्न में क्या करना है, हमें एड्रेस को स्टोर करना है, मतलब हमें रीड करना है एड्रेस को, जो एड्रेस पे जाना है वापस। तो इसमें क्या क्या फैच होगा, रीड होगा और अगेन रीड होगा, इसलिए तीन मशीन साइकिल हुई। इम्प्लाइड एड्रेस, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, 10 टी स्टेट चाहिए और फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। एंड दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट आरएसटी, एंड मैंने बताया था कि ये होता है रीस्टार्ट, इसका मतलब ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, आरएसटी 0 से आरएसटी 7 तक। ये होते हैं 1 बाइट, जैसे मैंने बताया था आपको पीसीएचएल, तो मैंने बताया था वो होते हैं 1 बाइट अनकंडीशनल जंप। तो ऐसे ही आरएसटी जो होते हैं वो होते हैं 1 बाइट अनकंडीशनल कॉल, ये आपको याद रखना है। और ये तीन मशीन साइकिल होती है, इसमें 12 टी स्टेट होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें पॉइंट कोई ऐसा आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आता है मशीन कंट्रोल, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला आता है नो ऑपरेशन, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्राम में डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 1 बाइट की होती है, 1 मशीन साइकिल होती है इसमें। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सारी इम्प्लाइड हैं, और इसमें 4 टी स्टेट हैं, कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। ऐसा ही हॉल्ट है, हॉल्ट में 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, इसमें 2 मशीन साइकिल चाहिए। हॉल्ट का काम होता है कि ये प्रोग्राम काउंटर को, वहीं प्रोग्राम को रोक देगा और प्रोग्राम काउंटर इनिशलाइज हो जाएगा 0। अब इसमें 2 टी स्टेट, 2 मशीन साइकिल होती हैं, इसका मतलब पहला तो होगा ऑफ कोड फैच। दूसरी जो इसमें होती हैं, इसमें 5 टी स्टेट होती हैं, इसका मतलब क्या है, 4 टी स्टेट तो होंगी ऑफ कोड फैच की, 1 टी स्टेट और होती है इसमें, इसे हम कहते हैं बिजी आइडल। तो एक एक्स्ट्रा होती है बिजी आइडल के नाम से, तो उसे इसलिए इसमें 5 होती हैं टी स्टेट। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनेबल इंटरप्ट, ये आप रीड कर लीजिए, अगेन 1 बाइट की है, 1 मशीन साइकिल है, ये मास्केबल इंटरप्ट को एनेबल करती है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और डिसेबल करती है डिसेबल इंटरप्ट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआरसी 16 में और 17 में और 14 में, सेट इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क। ये 1 बाइट की हैं, 1 मशीन साइकिल हैं, डेटा सारा सेम है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, आप क्वेश्चंस देखते हैं इसके, क्वेश्चंस जो आ चुके हैं। वैसे काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं जो इंस्ट्रक्शंस में ही, लेकिन जो क्वेश्चन अलग हैं वो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। जैसे 8085 है, इसमें कौन सा फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, मैंने बताया आपको लॉजिकल में अफेक्ट होता है, ब्रांचिंग में अफेक्ट होता है, और अर्थमेटिक में अफेक्ट होता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में अफेक्ट नहीं होता फ्लैग। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है मूव वाली या PCHL, इनमें फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। तो आंसर क्या है इसका, डेटा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो RAL इंस्ट्रक्शन कितनी बार यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अपनी DMRC वाली वीडियो में बताया था कि जैसे एग्जांपल लेते हैं 8 बिट का, 11 सपोज लेते हैं 0000100000, ये 8 बिट का है। अब इसमें हमें अगर RAL इंस्ट्रक्शन लगानी है, कैसे लगाओगे, RAL मींस रोटेट लेफ्ट विद कैरी। तो सपोज़ ये हमारा कैरी है और ये डेटा दे रखा है 8 बिट का। अब इसमें लेफ्ट रोटेट करना है, लेफ्ट कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा लेफ्ट, तो ये बिट कहाँ जाएगी, वाली यहाँ जाएगी ब्यूटी वाली, और जब इसे रोटेट करेंगे तो कैरी कहाँ जाएगा, एक मिनट ऐसे बनाओ उसे, ये कैरी यहाँ पर है और ये डेटा है 8 बिट का, 0000100000। अब ये रोटेट होगा इस तरह से, क्योंकि लेफ्ट रोटेट करना है और ये ऐसे मूवमेंट होगी इसकी। अब इसमें अगर आप लेफ्ट रोटेट करोगे तो ये बिट यहाँ पर आ जाएगी और ये 0 चली जाएगी यहाँ पर, तो कैरी में आ जाएगा 0। अब जब यहाँ पर ये बिट 1 यहाँ पर मूव कर जाएगी, तो आप खुद नोटिस करो कि ये क्या बन जाएगा, 0001000000। पहले नंबर था ये कितना, 8, अब यहाँ अगर आप देखो तो 0 1 2 4 8 BCD के हिसाब से ये 16 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। क्या हो गया, ये नंबर 8 था पहले, तो अब कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ऐसे ही अगर आप एक बार और एग्जीक्यूट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आप दोबारा करोगे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यानी अगर हमें 8 टाइम्स करना है किसी नंबर को
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर ए एल इंस्ट्रक्शन 3 बार लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नहीं थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ थ्राइस, 3 बार लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें क्वेश्चन है इन सिग्नल्स में से कौन से सिग्नल्स एक्टिव हाई सिग्नल्स हैं। तो मैंने बताया था कौन कौन सिग्नल एक्टिव हाई है, कौन से लो हैं, मैंने लो के बारे में बताया था। लो सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं INTA, केवल INTA ही लो सिग्नल होता है, एक्टिव लो, बाकी सारे सिग्नल्स इसमें जो गिवन है वो क्या होते हैं एक्टिव हाई, HLDA। अब ALE का काम मैंने बताया था एड्रेस लेस इनेबल, ये अगर वन होता है तो सारी बस सारी लाइंस काम करेंगी एड्रेस की तरह, और लो होता है तो जो लोअर एड्रेस बस है वो लोअर जो बस है वो काम करेगा डेटा की तरह और हायर एड्रेस की तरह। HLDA बताया था होल्ड एक्नॉलेजमेंट, जब हमारा DMA कंट्रोलर काम करता है तो वो होल्ड सिग्नल देगा माइक्रोप्रोसेसर को, उसके बाद वो अपनी सारी बस छोड़ देगा और वो रेस्पॉन्ड करेगा HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट से। रेडी, रेडी सिग्नल होता है अगर कोई आउटर पेरिफेरल्स है, मान लो सपोज कोई एक्सटर्नल डिवाइस है उसको कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है, तो आउटर पेरिफेरल जो होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर से डील करने के लिए हम रेडी यूज़ करते हैं। तो रेडी सिग्नल क्या होता है, ये स्लो कर देता है जो एग्जीक्यूशन है माइक्रो प्रोसेसर का, सो डैट जो स्लो पेरिफेरल्स हैं आउट जो एक्सटर्नल वो काम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीरियल डेटा को अगर इनपुट करवाना है सीड लाइन से, सीरियल इनपुट डेटा, तो इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी। जैसे कि सबसे पहला इसमें हम समझते हैं पहले सिम क्या होता है, रिम क्या होता है। मैंने उसमें बताया इंस्ट्रक्शन में सिम का मतलब होता है सेट इंटरप्ट मास्क और रिम का होता है रीड इंटरप्ट मास्क। सेट इंटरप्ट मास्क होता है अगर हमें डेटा को सीरियली आउट करना है तो यूज़ करते हैं सेट इंटरप्ट मास्क, और अगर डेटा को इनपुट करवाना है तो उसे यूज़ करते हैं रीड इंटरप्ट मास्क। तो ये आपको याद रखना है कि SOD सीरियल आउटपुट डेटा, ये D7 बिट है सेट इंटरप्ट मास्क की, इसमें यूज होता है सिम में। जैसे ऑप्शन में पूछा गया था इनपुट करवाना है हमें तो इनपुट के लिए यूज़ करते हैं रिम। रिम क्या होता है, इसमें D7 बिट होती है SID सीरियल इनपुट डेटा, यहाँ से इनपुट होगा, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, तो इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, इसमें मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में हाफ एडर और हाफ सेपरेटर क्या होता है। हाफ एडर में क्या होता है, एक एक्सॉर गेट यूज़ करते हैं और एक एंड गेट यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ एडर में कौन कौन से सर्किट यूज़ करते हैं। तो हाफ एडर में लगता है एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट। ऐसे ही एक्सॉर गेट में लगता है एक एक्सॉर गेट हाफ सेपरेटर में, और एक लगता है इसमें एंड गेट प्लस इसमें लगता है एक नॉट गेट, ये आपको याद रखना है। फुल एडर में लगता है दो एक्सॉर गेट, दो एंड गेट। अगर आप एक्सॉर की टर्म में बात कर रहे हो, हाफ एडर की टर्म में बात कर रहे हो, तो हाफ एडर दो हाफ एडर लगेंगे और इसमें एक और गेट लगेगा। तो अगर आपसे इसमें पूछते हैं सपोज कि जैसे एक क्वेश्चन है 4-bit एडर है और हाफ एडर और गेट्स पता करने कितने हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है फॉर 4-bit एडर हाउ मैनी हाफ एडर और गेट आर रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको याद रखना है, अगर आप सिंपल एक फुल एडर की बात करो तो फुल एडर में कितने हाफ एडर चाहिए, दो हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए, दो हाफ एडर और एक और गेट। अब इस केस में 4-bit एडर में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि 2n-1 चाहिए होते हैं हाफ एडर प्लस n-1 चाहिए होते हैं और गेट, बस याद रखना है। इसमें आप 4 पुट कर दो n की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगा कि 7 हाफ एडर चाहिए और 3 और गेट चाहिए। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। उसके बाद देख लेते हैं रिंग ऑक्सीलेटर क्या होता है। रिंग ऑक्सीलेटर का मतलब है कि जिसमें स्क्वायर वेव जनरेशन का काम करता है। सपोज अगर मैं दो नॉट गेट ओड नंबर ऑफ नॉट गेट्स कनेक्ट कर देता हूँ आपस में कास्केड में, तो वो कहलाता है रिंग ऑक्सीलेटर। कंडीशन ये है इसमें कि नॉट गेट मोर देन वन होने चाहिए और ओड नंबर में होने चाहिए, ये काम करेगा रिंग ऑक्सीलेटर। इसे हम कहते हैं ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगर आपसे पूछते हैं सर्किट दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा सर्किट है ए स्टेबल या मल्टी स्टेबल बाई स्टेबल, तो यह है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये काम करता है रिंग ऑक्सीलेटर की तरह, और इसे स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं। अगर आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि टू फाइंड आउट द प्रोपगेशन डिले, तो उसका होता है 2n TPD। ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कितना प्रोपगेशन डिले होगा, वो होगा 2n TPD। n है कितने बिट का है, n रेफर करता है कितने नॉट गेट लगा रखे हैं। ओके, 2n TPD मतलब कितने नॉट गेट हैं, और TPD प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच गेट।
फ्लिप फ्लॉप में आता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और इसमें दो डायोड लगे होते हैं, दो नॉट गेट। सपोज अगर इस तरह का सर्किट दे दें आपको, पूछ लेंगे कि ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है, यह है फ्लिप फ्लॉप और इसे कह सकते हैं बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसे स्टोरेज एलिमेंट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप इनपुट जीरो देते हो, यहाँ कितना आएगा नॉट गेट के आउटपुट में? वन आएगा, अगेन जीरो आएगा। इसका मतलब वो जीरो वैल्यू स्टोर कर रहा है, यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं वो स्टोर कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस और फ्लिप फ्लॉप। अब बेसिकली एक प्रॉब्लम आती है इसमें, रेस राउंड कंडीशन। ये बता देता हूँ, वैसे जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूँ। रेस राउंड कंडीशन होती है जे के फ्लिप फ्लॉप में। अब होती क्या है, बेसिकली जो टेबल होती है जे के, अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वो होता है 00 01 10 11। 00 पे वो देता है प्रीवियस स्टेट जे के फ्लिप फ्लॉप, 01 पे 0 होता है, 10 पे 1 होता है, लेकिन 11 पे टॉगल स्टेट होती है इसमें। ये कहलाता है रेस राउंड कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट टॉगल करता रहता है, 1 देंगे तो 0 होता रहेगा, कुछ टाइम बाद 0 देंगे तो 1 होता रहेगा। तो इसको ओवरकम करने, इसे कहते हैं रेस राउंड कंडीशन। इसको ओवरकम करने के लिए दो कंडीशन होती हैं, या तो आप ये सेटिस्फाई कर दो या ये वाली सेटिस्फाई कर दो। तो ये होती है टी, जो प्रोपगेशन डिले होना चाहिए वो पल्स विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए और टी क्लॉक से कम होना चाहिए। सपोज़ ये पल्स विड्थ है, ये है टी क्लॉक और ये है पल्स विड्थ, यानी कि टी पी डब्ल्यू और ये है टी क्लॉक। तो प्रोपगेशन डिले शुड बी ग्रेटर देन टी पी डब्ल्यू मीन्स पल्स विड्थ एंड लेस देन टी क्लॉक। या सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लो। ओके, अब एक बात यहाँ ध्यान रख सकते हो, मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है, मास्टर जो होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है और स्लेव होता है एस ट्रिगर्ड। ये आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, मास्टर इज लेवल ट्रिगर्ड, स्लेव इज एस ट्रिगर्ड। नेक्स्ट है शॉर्ट टॉपिक, काउंटर। काउंटर एक तरह का फ्रिक्वेंसी डिवीडर डिवाइडर सर्किट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर मैंने डाला है, ये क्वेश्चन आ सकता है और ये शायद इस तरह के आ भी चुके हैं IES गेट में और अदर एग्जाम में। फाइंड द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसमें सबसे पहले दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब अगर ये सर ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से पास होती है डिवाइडर बाय डिवाइडेड बाय 10^6, तो क्या होगा फ्रिक्वेंसी इसके आउटपुट पे? 1 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 10^6, आउटपुट कितना आ गया? 1। इट मींस 1 हर्ट्ज इसका आउटपुट में आ गई। अब इसके बाद दे रखा है स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर का मतलब क्या है? स्मिथ ट्रिगर का काम होता है किसी भी साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेगा, जो साइन वेव आ रही है इसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा। इसका इतना काम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा फ्रिक्वेंसी का। अब इसके बाद लास्ट ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्रिक्वेंसी डिवाइडर का काम करता है फ्लिप फ्लॉप। इसे मोड टू भी कहते हैं, अगर जनरली बात करें तो मोड टू काउंटर है ये फ्लिप फ्लॉप, और ये फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करता है। यहाँ से आपको क्या मिला था, 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, अब मिलेगी फ्रिक्वेंसी 0.5, क्योंकि 1/2 कर देगा 0.5। इसमें पूछा गया है क्या आउटपुट फ्रिक्वेंसी, तो आंसर क्या होगा 0.5 हर्ट्ज, लेकिन अगर टाइम पीरियड पूछा गया था तो 1/0.5 कर दोगे, कितना आ गया 2। तो ऐसे फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो केयर करनी है वो करनी है कि डिवाइड बाय 10^6 है तो डिवाइड करना है। इसमें टिकर का रोल सिर्फ इतना था, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा और फ्लिप फ्लॉप डिवाइड फ्रिक्वेंसी डिवाइडर का काम करेगा बाय 2। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं वैसे करवा चुका हूँ कि अगर एब्जॉर्प्शन लॉ है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। सब ये दो केस होते हैं, ए प्लस ए बी, ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका आंसर आता है ए, ये दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। और अगेन ए ए प्लस बी, अगर इस तरह दे रखा है ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ है, इसका आंसर भी ए आएगा। तो ये होते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका आंसर इन दोनों इक्वेशन के केस में आंसर ए ही आएगा। अब इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने जितने भी लॉज होते हैं उनको डिटेल में कवर कर रखा है, यू कैन वॉच इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। किसी भी नंबर, किसी भी सीरीज ऑफ बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि लास्ट वन को छोड़ दीजिए बस, आप जो भी लास्ट वन है, बाकी जो इससे पहले बिट्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट कर दो बस, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 0 0 1, ये है टूज कॉम्प्लीमेंट। सपोज अगर ये नंबर ऐसा दे रखा होता तो कैसे फाइंड करते, लास्ट वन कौन सा यहाँ पर है तो इससे पहले जितनी बिट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो 1 1 0 1 1 0, ये शॉर्टकट तरीका है टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा गेट यूज़ करते हैं लॉजिकल एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और गेट यूज़ करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये जो नंबर्स दे रखे हैं बाइनरी में, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में दे रखे हैं, तो इनका सेट ऑफ नंबर फाइंड करना है कि एक्चुअल में नंबर क्या थे, तो आपको इसको वापस लाना पड़ेगा, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो। एक बात नोटिस ये करो कि इसमें जो MSB है 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है,
तो इसका जब वापस टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे, मैंने अभी सिखाया था टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, लास्ट वन को ऐसी रहने दो, बाकी बिट को वन कर दो। ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट पहले नंबर का, दूसरे का 110, अगेन इसका 111000। ये क्या नंबर है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन नंबर क्या था टूज कॉम्प्लीमेंट पे था, तो नंबर नेगेटिव था। तो जब भी नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा और एम एस बी वन होगी तो नंबर नेगेटिव होगा, तो इसलिए नंबर जो है एक्चुअल में -7, -7, -7। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको एस ओ पी एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एस ओ पी कैसे फाइंड करोगे, एक सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पर वन है एस ओ पी में वन देखते हैं, जहाँ पर वन है उसका एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ पर आप यहाँ इसे देखो, इसका क्या होगा एक्सप्रेशन, इसमें ए बार बी बार और सी, क्योंकि सी वन है इसमें है, ए बार बी बार और सी वन है, प्लस क्योंकि एस ओ पी है, एस ओ पी में ऐड करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है ए बार ए बी और सी बार, तो ये इजीली मिल गया आंसर, क्वेश्चन ईजी था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें पी ओ एस की फॉर्म में। अब ये कैसे फाइंड करोगे, तो आप इसके लिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को जैसे मैंने पहले करवाया वैसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो के मैप बना सकते हो। की मैप कैसे होता है सोल, ये थ्री वेरिएबल के मैप है, तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी सी होगा। तो इसमें के मैप में जो ये पी ओ एस फॉर्म में ध्यान रखना, ये इसमें अपोजिट होता है, यहाँ ए होगा, यहाँ ए बार होगा, यहाँ बी प्लस सी होगा, यहाँ बी प्लस सी बार होगा, यहाँ बी बार प्लस सी बार होगा, और यहाँ बी बार प्लस सी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको जीरो पुट करना है, क्योंकि ये पी ओ एस फॉर्म में, यहाँ पर पी ओ एस फॉर्म में पूछ रखा है। तो पहले पे क्या है, अगर आपको ये पता है कैसे बनाते हैं, ये तरीका ये है, यहाँ पर जीरो वन सीरीज इस तरह की होती है, थ्री और टू इस तरह फिलिंग करते हैं इसमें, फोर फाइव सेवन और सिक्स। तो ये कितना हो गया, पहला ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो पे ज़ीरो है, ज़ीरो अगेन ज़ीरो, और नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वन है ना, तो ये काउंट नहीं होगा, यहाँ वन है, यहाँ पर ज़ीरो है, ऐसे ही यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, और यहाँ पर कितना है, क्योंकि लास्ट वाला यहाँ बढ़ते हैं पहले, तो ये ज़ीरो और ये वन। अब इसमें अगर आप नोट करो तो ये क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है। तो क्वाड कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें अब इसमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन इसमें बी कॉमन है तो बी आ गया, ओके। अब इसमें प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि ये पी ओ एस फॉर्म है। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप क्या बन रहा है, ये क्वाड नहीं बन रहा, यहाँ पर वन है, तो इसे कैसे लिखोगे, एक तो ये रह गया, ये बनाने के लिए आप इसका पेयर हो गया, तो उसको कैसे लिखोगे, ये ए बार है, यहाँ पर है ए बार प्लस कितना हो गया, ए बार प्लस सी बार, क्योंकि सी बार कॉमन है इन दोनों में। अब आप इन दोनों को ले सकते हो, इसको पेयरिंग करनी है, ये पेयर हो गया, ये कितना हो गया ए प्लस सी। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा वाला, ठीक है। तो एक मेथड बता दिया मैंने आपको, सिंपल डायरेक्टली सॉल्व करना है, एक है के मैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीमॉस लॉजिक फैमिली यूज़ करती है कौन सा सर्किट। तो सीमॉस बेसिकली यूज़ करता है मॉसफेट। सीमॉस में दो कॉम्बिनेशन होता है, एनमॉस का और पीमॉस का। तो ये मॉसफेट यूज़ करता है एनमॉस और पीमॉस। पीमॉस लगा होता है ऊपर, ये पीमॉस होता है इस तरह से, और एनमॉस लगा होता है इस तरह से, ये ग्राउंड होता है, यहाँ लगा होता है वी डी डी, और यहाँ से आउटपुट होता है वी नॉट। और पीमॉस, ये पीमॉस होता है जहाँ पर नॉट गेट लग रहा है, ये एनमॉस होता है, तो ये मॉसफेट हो गया। मॉसफेट पता है आपको, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका पावर डिसिपेशन बहुत नेगलिजिबल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन क्या होती है। तो ऑप्शन गिवन है, करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर या डेटा सेलेक्टर। तो मल्टीप्लेक्सर होता है मैनी टू वन, जो मैनी इनपुट को सेलेक्ट करके एक आउटपुट आप एक सेलेक्ट करेगा और आउटपुट में देगा। तो मल्टीप्लेक्सर को पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी कहते हैं, इसे डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, और इसे ऐसे ही इसका जो इसका अपोजिट होता है वो होता है डी मल्टीप्लेक्सर, वो क्या करता है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। नेक्स्ट पूछा गया इसमें, इस नंबर को बी सी डी कोड से एक्सेस थ्री में कन्वर्ट करना है। तो बी सी डी होता है, जो वैलिड होते हैं बी सी डी कोड वो 0 से 9 तक होते हैं, लेकिन आप कन्वर्ट करना है एक्सेस थ्री में, तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, एक्सेस थ्री कोड में आप 3 ऐड कर दो। 3 क्या होता है बाइनरी में, 0011, यहाँ 3 ऐड करोगे क्या आएगा 0011, तो क्या आ गया 1011। ये तरीका है एक्सेस थ्री का। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में बाइनरी टू ग्रे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी आया नहीं अभी तक, ये शायद 17 में आ चुका है। बाइनरी टू ग्रे करने के लिए सपोज मेरे पे इनपुट है 0001100, फॉर एग्जांपल। अब आपको इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, अब
कैसे कन्वर्ट करोगे, कुछ नहीं करना बाइनरी से ग्रे करने में, MSP को एज इट इज उतार दो, उसके बाद ये कंजीक्यूटिव बिट ऐड कर दो। ये ऐड करोगे क्या आएगा, ऐड मतलब एक्सोर, एक्सोर करना है इसमें, बाइनरी से ग्रे करने में एक्सोर करना है। वन आ गया, अगेन इसका एक्सोर करेंगे इसके साथ कितना आएगा, वन वन। एक्सोरिंग क्या होती है, अगर हम सेम इनपुट की एक्सोरिंग करते हैं तो आउटपुट जीरो आता है एक्सोर में, ये मैंने बताया था वीडियोज में, जीरो। अगेन वन जीरो कितना आएगा एक्सोर में, डिफरेंट इनपुट गिव्स आउटपुट हाई ऑफ एक्सोर गेट, कितना आ गया वन, ये जीरो 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 जीरो, ये हो गया बाइनरी से ग्रे में। तो ये क्या हो गया ग्रे। अगर आपसे कहते हैं ग्रे टू बाइनरी करना है, जैसे ये अगर हम इसको लेके चलें, हम इसको कन्वर्ट करते हैं वापस बाइनरी में, अब आपको क्या करना है, इसको अगेन एज इट इज उतारना है जीरो। अब आपको इन बिट्स को ऐड नहीं कर, एक्सोरिंग नहीं करनी है, आपको जो आउटपुट आएगा उससे एक्सोरिंग करनी है। इसकी एक्सोर करोगे इससे कितना आएगा वन, क्योंकि वन जीरो एक्सोर कितना होता है वन, अगेन वन जीरो एक्सोर कितना होता है वन, वन वन एक्सोर क्या होता है सेम इनपुट है, तो जीरो 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 जीरो, तो आप वेरीफाई कर सकते हो सेम आंसर आ गया। तो ये तरीका है बाइनरी से ग्रे, ग्रे से बाइनरी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनमें से कौन सा एग्जांपल सही है, तो आप वेरीफाई करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए बी प्लस सी, क्योंकि ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी में और सी में, ए बी प्लस ए सी। मैंने बता रखा है वीडियो में अपनी में कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रोग्राम काउंटर का यूज़ क्या होता है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी अगली बार उसको स्टोर करता है एड्रेस को, तो ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट है 4-bit R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसकी रेफरेंस वोल्टेज 5 है, फाइंड करनी है एनालॉग आउटपुट। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, अब इसका एक्सप्रेशन होता है आउटपुट फाइंड करने का, एनालॉग वोल्टेज फाइंड करने का। सबसे पहले इसमें रेफरेंस वोल्टेज लो, सबसे पहले यहाँ पर होता है रिजोल्यूशन, आपको यहाँ रिजोल्यूशन फाइंड करना है, और रिजोल्यूशन क्या होता है VR अपॉन 2^n फॉर R2R DAC इनटू, आपको करना क्या है इसमें डेसिमल वैल्यू लिखनी है जो कोड दे रखा है इसकी, और अगर कोई गेन भी दे रखा है तो गेन से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे गेन तो गिवन नहीं है इसमें। अब VR की रेफरेंस वोल्टेज कितनी है 5 अपॉन कितने एन, क्या है कितने बिट का है 4-bit का, तो 2^4। डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 1010 क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं डेसिमल वैल्यू 1010 से, तो 2^0 2^1 2^2 और 2^3 क्या क्या आएगी 2+8 कितना आ गया 10। तो ये ऐसे करते हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, या बाइनरी से अदर्स किस में भी हो, तो वहाँ का वो देख लो आप क्या रेडिस क्या है, रेडिस 2 है तो 2 के वेट से निकाल देंगे कितना का 10, यहाँ से आप आंसर निकालोगे आएगा 3.125। तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, इसमें 8-bit डिजिटल डेटा दिया है ADC पे, फाइंड करना है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा VR अपॉन 2^n इंटू डेसिमल वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है अनक्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप जो नॉर गेट से बना हुआ है उसमें फॉरबिडन कंडीशन क्या होती है। अगर RS फ्लिप फ्लॉप पता हो, SR फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें 0-0 पे क्या होता है प्रीवियस स्टेट, 0-1 पे होता है 0, 1-0 पे होता है 1 और 1-1 पे होता है नॉट डिफाइंड, ये 1-1 पे डिफाइंड नहीं होता, जबकि मैंने JK फ्लिप फ्लॉप में बताया था 1-1 पे टॉगलिंग कंडीशन होती है। अब ये अनक्लॉक्ड है, इसमें क्लॉक नहीं है, तो कंडीशन जो होती हैं वो होती हैं R=1 और S=1 केस में ये कंडीशन फॉरबिडन होती है, इट मीन्स अगर S1 होगा R1 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, है ना, तो याद रखना टेबल आपको। ये टेबल सिमिलर है अगर हम क्लॉक कर देंगे, सपोज अगर नैंड गेट यूज़ करते हैं, ये तो नॉर गेट यूज़ करा है, अगर हम नैंड गेट यूज़ करते हैं सपोज, और ये सर्किट बनता है हमारा, अब हमें क्या कर दिया इसे क्लॉक कर दिया, क्लॉक कैसे करेंगे, ऐसे क्लॉक कर दिया, यहाँ पर नैंड गेट लगा दिया और यहाँ जा रही है हमारी, ये S हो गया, ये R हो गया, ये क्लॉक हो गया, ठीक है। अगर क्लॉक लगा देते हैं और नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी टेबल सेम होगी, ये आपको याद रखना है, नॉर गेट विद अनक्लॉक टेबल होगी वो सेम होगी, नैंड गेट विद क्लॉक, तो ये दोनों टेबल्स की सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज रेजोल्यूशन ऑफ 8-stage लैडर नेटवर्क, तो रेजोल्यूशन होता है बताया मैंने वी रेफरेंस अपॉन 2^n, n क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ से निकाल सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन इज
फास्ट कैरी एडर और लुक अहेड कैरी एडर, ये मोस्ट जो 4-bit पैरेलल एडर है उसमें यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, जो लुक अहेड कैरी एडर होता है ये प्रोपगेशन डिले को रिड्यूस कर देता है। और अगर आपसे पूछते हैं कितने एंड गेट यूज़ करते हैं इसमें लुक अहेड कैरी एडर सर्किट में, n इंटू एन प्लस 1/2, ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये था उसके बारे में। तो दिस इज़ अबाउट द डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने अपने हिसाब से कवर कर दिए हैं, और आप इसे काफ़ी अच्छे से देखिए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल काफ़ी हद तक मैंने अपने हिसाब से कवर कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं अब इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका वेटेज है 18। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेम द ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस के लिए इसका आंसर तो है केल्विन्स डबल ब्रिज, लेकिन अभी देखते हैं कि ऑप्शन के थ्रू कि ये ब्रिज किसके लिए यूज़ करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज यूज़ करते हैं हम इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। मैक्सवेल ब्रिज हुआ, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हुआ, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, और ये सब ब्रिज हैं ये यूज़ करते हैं हम इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। केल्विन्स के लिए यूज़ करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, केल्विन्स डबल ब्रिज यूज़ करते हैं। और पोटेंशियोमीटर भी रेजिस्टेंस मेजर करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। याद रखना है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेट 0.1% होती है, तो बहुत अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी ओम मीटर से भी अच्छी होती है, और ये काम करता है नल इंडिकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीयरिंग ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। शीयरिंग ब्रिज किसके लिए यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। शीयरिंग ब्रिज यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ करते हैं, शीयरिंग ब्रिज भी यूज़ करते हैं, और वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है वो भी यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। इंडक्टेंस के लिए मैंने बता दिया है। लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कैरी फॉस्टर ब्रिज यूज़ करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVDT अगर हमें इससे कौन सा पैरामीटर मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो लास्ट वीडियो थी फोर्थ वीडियो जो थी मेरी DMRC की, उसमें इसे यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए। LVDT इज़ अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और ये वर्क करता है लीनियर मोशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिवन है इसका रेजिस्टेंस है 0.6 ohm, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिवन है, और कन्वर्ट करना है इसको एमीटर में, इस रेंज के एमीटर में फाइंड करना है रेजिस्टेंस शंट का। तो मूविंग कॉइल है, PMMC भी एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना है PMMC की जो एक्यूरेसी होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है, और इसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी बहुत हाई होता है PMMC का। इसका स्केल लीनियर होता है, PMMC का स्केल लीनियर होता है, और जैसे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये होती है इसकी ओवरलोड कैपेसिटी बहुत कम है, ये जल्दी लोड जाता है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस शंट का कितना होता है। शंट का रेजिस्टेंस होता है शंट इज इक्वल टू RM/M-1। अभी M क्या है, RM क्या है, RM इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर, हमें गिवन है 0.6, M क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, M होता है I/IM, I यहाँ पर क्या है टोटल करंट, IM है मीटर में कितनी करंट जा रही है, टोटल करंट हमें कितनी गिवन है 0.1, टोटल करंट गिवन है हमें कितनी 15 गिवन है टोटल करंट, और मीटर में कितनी करंट जा रही है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.1। तो यहाँ से आप निकालोगे 150 आ गया, तो यहाँ जब आप पुट करोगे आंसर आएगा 0.004 ohm। तो मेन आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, इसमें एमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है, सपोज अगर अगला क्वेश्चन दे देता है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, उस केस में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, RM/M-1, ये आपको याद रखना है। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे, एम क्या होता है यहाँ पर, एम होता है कैपिटल वी का मतलब है टोटल वोल्टेज, और वी मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, अगर दो वायर्स लगे हुए हैं डिफरेंट मेटल्स के, उनको ज्वाइन करते हैं, और उनके बीच में अगर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी ट्रांसड्यूसर वाली उसमें मैंने बता रखा है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सीबैक इफेक्ट, और सीबैक इफेक्ट किस में होता है, थर्मोकपल में। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटन पूछा गया था किस किस मेटेरियल से मिलकर बना होता है, ये होता है कॉपर से और निकिल से। कॉपर इसमें 55% होता है, निकिल 45% होता है। कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं हम AC मीटर्स के लिए, अगर AC मीटर में हमें जो मेटेरियल चाहिए होता है बनाने के लिए तो उसमें यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंटन। लेकिन अगर DC मीटर के लिए यूज़ करना है, सपोज जैसे PMMC है, PMMC में क्या होता है, यूज़ करते हैं हम
स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बना होता है मैगनीन से, मैगनीन प्लस कॉपर। तो मैगनीन जो होता है वो बना होता है मैगनीज, कॉपर और निकिल। मैगनीज इसमें कॉपर होता है 86%, मैगनीज होता है 12% और निकिल होता है 4%। तो ये आपको याद रखना है कि एलॉय किस किस से बना हुआ है ये। तो कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं एसी मीटर्स के लिए और मैगनीन यूज़ करते हैं डीसी मीटर्स के लिए। अब आता है एरर्स। एरर्स होते हैं बेसिकली तीन तरह के, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा ग्रॉस एरर और तीसरा होता है रैंडम एरर। अब ग्रॉस एरर होता है जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है, उसे कहते हैं ग्रॉस एरर। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर तीन तरह का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर और एनवायरमेंटल एरर, और तीसरा होता है इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट अगर मिसयूज़ कर रहे हैं उसका, या फिर कोई डिफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट में या मिसरीडिंग की वजह से, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर होता है कि हम पैरलक्स, इसे कहते हैं पैरलक्स एरर। इसका मतलब है क्योंकि मिस अलाइनमेंट होना किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसे कहते हैं पैरलक्स एरर। थर्ड है एनवायरमेंटल एरर, तो ये तो अंडरस्टूड है। एंड द लास्ट इज रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि सॉ टूथ वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं हम। क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे सीआरओ की कौन सी वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं सॉ टूथ वेव। अब ये कुछ पॉइंट है पता होने चाहिए कि आइडियल एमिटर है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियली, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। नेक्स्ट है, अगर वोल्टमीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो एक्चुअल में होता क्या है, वोल्टमीटर एक्चुअल वैल्यू से लेस रीड करता है ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट। क्योंकि वोल्टमीटर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, वोल्टमीटर करंट रीड नहीं करना चाहिए, करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है, इस वजह से उसकी जो रीडिंग होती है वो एक्चुअल वैल्यू से कम होती है, इसलिए ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट। एमिटर इज मोर सेंसिटिव, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल करंट मिनिमम है तो उस केस में एमिटर मोर सेंसिटिव होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लास्ट है, एमिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अगर, तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में लगाएंगे एमिटर को तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा, लेकिन अगर वोल्टमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो वो डैमेज नहीं होता। तो ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है और कॉपर की, एल्यूमिनियम की इससे कम होती है, तो ये पता होना चाहिए हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक। तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से कवर कर चुका हूँ डिटेल में अपनी वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी आई थिंक, उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जितनी सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटिज्म बता चुका हूँ। इसका आंसर है आयरन। आयरन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, कॉपर, बिस्मिथ, जर्मेनियम, NaCl, गोल्ड, डायमंड, ये सब डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें डायपोल्स का इंट्रैक्शन भी नहीं होता। और डायमैग्नेटिज्म केस में क्या होता है, जो रिपल्शन होता है, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स रिपल्शन होता है इसमें, कि जितना भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जितना फ्लक्स आएगा वो रिपेल कर देगा, कंप्लीट रिपल्शन होता है। तो अगर कंप्लीट फ्लक्स रिपल्शन होता है उस, वही हमारी कंडीशन होती है सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर जो केस है वो यूज़ करता है कंप्लीट रिपल्शन ऑफ द फ्लक्स। तो इसका आंसर आयरन है। आयरन बेसिकली क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। सो दिस इज़ अबाउट द कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ द डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे हमें अच्छा लगेगा, और कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में स्टडी करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इसे अच्छे से देखिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इसरो हो, चाहे BIS हो, चाहे आपका DMRC हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट मैंने कवर कर चुका हूँ मैं इसमें प्रीवियस पेपर के। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगली वीडियो जो आएगी मेरी वो आएगी इंस्ट्रूमेंट की, फॉर BIS और इसरो, तो आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।